हेलो फ्रेंड्स, NIOS की वेबसाइट में जो असाइनमेंट की फ्रंट पेज के लिए जो गाइडलाइंस दिया गया है हम आज उसके बारे में कुछ कहूँगा और उसके हिसाब से एक सैम्पल भी मैंने बना लिया है। तो NIOS की वेबसाइट में जो गाइडलाइंस दिया है उसमें ये क्लियरली कहा गया कि जो पेज होगा वो होगा फुल स्केप, और फुल स्केप पेज की जो साइज है नॉर्मल साइज जो है 13 इंच बाई 8 इंच, तो उसकी हिसाब से मैंने ये पिक्चर बनाया है। इसका साइज भी ऐसा ही है, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया कि फ्रंट पेज की ऊपर लेफ्ट साइड में ऑफिस यूज के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो हमने इस पे जो टॉप लेफ्ट साइड है वो ऑफिस यूज के लिए छोड़ दिया, और सेंटर में जो चीज़ लिखना होगा गाइडलाइन में जो कहा गया पहला होगा स्टडी सेंटर, उसके बाद कोर्स टाइटल, कोर्स कोट और असाइनमेंट कोट, ये जो तीनों चार चीज़ है इसको टॉप में मिडिल में सेंटर में लिखने के लिए कहा गया है, और टॉप में जो राइट में कॉर्नर में लिखना होगा उसमें है एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस और डेट। तो इसकी हिसाब से आप लोगों को फ्रंट पेज में ऐसा ही लिखना होगा, और इसका साइज जो होगा फुल स्केप के हिसाब से साइज होगा। यह है फुल स्केप पेज 13 इंच बाई 8 इंच, और ये फुल स्केप की साइज में हमने एक कवर फोटो बना लिया है असाइनमेंट के लिए। तो ये है कवर फोटो, तो इसमें एक खास डिजाइन करके ये इसको बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और सेंटर में एक शानदार लोगो भी हमने डाल दिया, और उसके नीचे है एंगेजमेंट विद असाइनमेंट्स, इसमें जो है प्रोग्राम कोड DLED होगा, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड, और उसके नीचे जो है सबमिटेड बाय आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, सेशन और सिग्नेचर, और उसके नीचे सबमिटेड टू, आपने जिस स्टडी सेंटर में सबमिट करोगे ये उस स्टडी सेंटर की नाम, कोट और डेट, ये सब सारे चीज़ इसमें आप लोगों को लिखना होगा। लेकिन इसका जो साइज है 13 इंच बाई 8 इंच, एक फुल स्केप पेज की जो नॉर्मल साइज है उसके हिसाब से इसको बनाया गया। अगर आपको इसका डिजाइन अच्छा लगा तो इसमें जो हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है उसको छोड़ के हमने एक फोटो बनाया है, इसको हमने अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में, और उसका लिंक भी आपको भेज दूंगा, और जो फ्रंट पेज है इधर भी हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है, और इस नाम को छोड़ के भी एक पेज बनाया गया है। तो ये दोनों पेज हमने गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, तो जिसको आप लोगों को ये पेज अच्छा लगेगा और आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो की कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो हमने डाउनलोड लिंक आपको भेज दूंगा। थैंक यू।